कितना हम जोर लगा रहे हैं, आपकी सोच है हम व्यक्ति टू को कितना जोर लगा रहे हैं, या उसको साल हो गया है या अगले माह साल हो जाएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। हाँ, तो यार एक साल हो गया हम देर रात कर करके थक गए, तो उसकी प्लानिंग डिजाइनिंग अनकवर नहीं हो जाता। इतना बड़ा काम होता है ये करना टेक्निकल जो करते हैं, क्योंकि पीछे पूरे एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ तो नहीं आता कि डमी सोसाइटी उस तरह एक रोड बना दे, बिल्डिंग लगा दे और ना फिर इधर को रोड निकाल दी, इधर निकाल दी, उधर निकाल दी, उधर, यानी आपके दिन में प्लान हो ही नहीं। तो हमने तो प्लान बनाना होता है कि ये स्कीम डिजाइन की है, इसको 40 साल के बाद अगर किस शहर से बुलाना है तो उसको कैसे आपने इंटरव्यू अभी से रखना है। जैसे मैंने कहा था इस वक्त उसका कह नहीं है कि उसको, मैंने आपको एक छोटी बात बताई थी कि सीडीए के किसी एक सेक्टर से आप एस्टीट्यूट में एक मिनट से पहले दाखिल हो जाएंगे, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मैं उससे भी कम का टाइम बताता हूँ। तो डिजाइनिंग है ना, तो वो डिजाइनिंग भी इंटरव्यू करनी है। मैंने आपको पिंडी शहर से भी बुला के देना है, मैंने आपको मोटरवे से भी बुला के देना है, मैंने आपको एयरपोर्ट से बुला के देना है, मैंने आपको लोकल रोडों से बुला के देना है, मैंने वहां से एक बड़ी खास रोड जा रही है जिसका मैं नाम भी लिया, मैंने उससे भी आपको बुला के देना है, मैंने आपको इंटरचेंजों से भी बुला के देना है। तो मैंने वो सारी प्रपोजल अभी हमने देख ली है, बाद में नहीं होगी, ये हमने देखी है। तो आसानी से कह देते हैं कि ऐसे मिलेगा कि ऐसे मिलेगा, ये तभी मिलेगा ना जब वो प्रोविजन मौजूद है, जब प्रोविजन मौजूद ना हो तो कैसे मिलाएंगे। ये देखें, ये सदाकत साहब बैठे हैं, ये हमारे काले नाले के आगे एक तो सोसाइटी बनी हुई है 100-200 बना की, वो जीटी रोड को नहीं बुला सकते क्योंकि आगे गलियां हैं, आगे आबादी से भरी 10-10 फुट 15-15 फुट 20-20 फुट की गलियां कैसे बनाएं, जब उसमें परवीय नीचे अगर 150 फुट की या 100 फुट की परवीय रखी होती तो ऐसे आदमी मिल जाते और नहीं मिल सकते। तो ये परवीय रखनी पड़ती है कि आपने लेफ्ट राइट कहाँ पे जाना है, आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आपका जेन होना चाहिए, आपका गोल कोई होना चाहिए कि आपने इस गोल को अचीव करना है अगले साल में, इसको करना है 5 साल के बाद, इसको करना है 10 साल के बाद, इसको करना है 20 साल के बाद, तो फिर आप किधर जाएंगे, कोई चीज रुकावट तो नहीं बने, रस्ते में कब्रिस्तान भी है, रस्ते में वादियां भी है, रस्ते में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी है, रस्ते में हजारों चीजें हैं, तो आप कैसे उन चीजों को अवॉइड करेंगे, रस्ते में लोग रोड़े भी है, तो आप ये सारा कुछ दे रहे हैं। तो ये बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज का काम है जो हर आदमी के पास है। तो इंशाल्लाह ताला करेंगे, एक मैं अनाउंसमेंट करके अपने दोस्तों को 2-2 मिनट देता हूँ, वो ये है कि 29 तारीख को कल वाला संडे छूट के मिल सकते, आप सब दोस्तों को दावत है, आपके जो खास खास इन्वेस्टर हैं उनको भी दावत है, जो रियल एस्टेट बिरादरी पर नहीं पहुंच सकती उनको भी दावत है, आरईसी को, नॉन आरईसी को, इन्वेस्टर को, बगैर दावत दिए दावत आज मैंने दे दी। फिर भी हम कुछ लोगों को फोन भी कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी दे दें। 38 तारीख को संडे को हमने FT2 का विजिट करना, एग्जैक्ट टाइम है 1 बजे वहां पहुंचना, क्योंकि हमारा काम बहुत बड़ा है, वहां पे हमें जल्दी जाना पड़ेगा। 1 बजे सबने मेक श्योर करना है कि फिर भी मैंने आपको लेट दिया है कि छुट्टी, आप आराम से उठ के नाश्ता करें और घर से निकल पड़े, ताकि 1 बजे आप उधर पहुंचे हुए तो 2 से 3 घंटे का आपका रिजल्ट है और बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, आप बहुत खुश होंगे, आपकी सोच से बड़ा रिजल्ट है। तो आप वो विजिट करेंगे, फिर आपको नक्शे बनाएंगे, पूरी ब्रीफिंग देंगे, और उस मीटिंग में मैं जो अपना मेरा वादा है जो किया है, अल्लाह का शुक्र है कि उस वादे पे अल्लाह उसकी तकमील ला रहा है, मैं उस पे डेवलपमेंट की डेट अनाउंस करूंगा, एग्जैक्ट डेट जिस पे वो हमारा बड़ा फंक्शन होना है। ये भी बड़ा फंक्शन है, 1500 बजे का हमने इंतजाम किया हुआ है, ज्यादा दोस्त आ जाएंगे तो कोई इशू नहीं, तो लेकिन उसके बाद वाला जो फंक्शन है उसमें तो सब मेंबर इन्वाइटेड है, और उसकी मैंने डेट बतानी है, उसका एक तो दे देता हूँ कि 4 हफ्ते से छोटी डेट हो उस डेट में, तो इसका मतलब 4 हफ्ते का मतलब बनता है कि 29 को फंक्शन है
तो लड़की से पहले भी लेट हो जबरदस्त आगे नहीं हो सकती, तो ये उसका आपके लिए बहुत बड़ा ये आता है। इतनी बड़ी स्कीम की प्लानिंग डिजाइनिंग करना ये बड़ा काम है, अल्लाह का शुक्र हो गया। अब वो एक शहर अपना किस तरह रूप धारेगा, किस तरह बनेगा, ये अल्लाह के फजल से दुनिया भी देखेगी, आप भी देखेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि ऐसी खूबसूरत लोकेशन कि आप पिंडी से जाएं तब हम पहले, इस्लामाबाद से जाएं तब पहले, किसी और जगह से जाएं तो आप पहले। बड़ी बड़ी सोसाइटियां, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ब्रांड, उससे 50-50 किलोमीटर आगे जो मैं कहता हूँ कि आप बात करते हैं कि एक हीरा है जो 100 कैरात का है या कैरेट का है, उसके साथ एक पत्थर पड़ा है वो भी 100 कैरात का है, आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों का, क्योंकि वजन बराबर है, दोनों एक ही प्लेट में पड़े हैं तो दोनों की कीमत बराबर है? वो नहीं बराबर। एक 100 कैरात का हीरा है उसकी कीमत करोड़ों में है और दूसरा 100 कैरात का पत्थर है जिसकी कीमत हजारों में है। तो ये है चांदी सोना बराबर नहीं हो सकता, तो आपके प्रोजेक्ट सोना है, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, आप लोग काम करें और मैं